फाइनली गाइज मुझे फुटबॉल इवेंट से रिलेटेड जितने भी फ्री के रिवॉर्ड्स है उन सारी की सारी रिवॉर्ड्स के बारे में पता चल गया। सो यस गाइज आज किस वाली वीडियो के अंदर आप सभी को सारे के सारे फ्री की रिवॉर्ड्स दिखाने वाला हूँ जो कि हमें फुटबॉल इवेंट के अंदर मिलने वाला है। एंड साथ ही साथ गाइज मुझे पता है कि आप सभी को हॉल ऑफ इलाइट के इवेंट के बारे में समझने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि अभी भी आप लोग पूछ रहे हो कि हॉल ऑफ इलाइट के इवेंट से हमें कितना डायमंड लगने वाला है, साथ ही साथ कौन कौन से बंडल आ रहे, कौन कौन से इलाइट पास आ रहे। सो यस गाइज आज की इस वाली वीडियो के अंदर वो भी आप लोगों को कवर करके बता दूंगा। देखो गाइज आप में से कुछ बंदे जो रेगुलर देखते हैं वो लोग सोच रहे होंगे कि भाई हर वीडियो में ये हॉल ऑफ इलाइट का इवेंट कवर करा है, तो देखो भाई आप लोग कमेंट करते हो कि भाई बताओ यार फिर नहीं समझ में आ रहा है कैसा कुछ होने वाला है, तो देखो यार आज आप सभी को एकदम अच्छे से क्लियर करके समझा दूंगा। एंड वैसे भी गाइज देखो यार सबसे बड़ी फ्री फायर की अब तक की सबसे बड़ी इवेंट होने वाली है हॉल ऑफ इलाइट का इवेंट जिसमें हमें सकुरा बंडल, हिप हॉप बंडल वगैरह देखने को मिलेंगे। सो यस गाइज उसे अच्छे से समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ गाइज आप लोग खुद ही देखो यार हम लोग 500 के कितने ज्यादा करीब है, कितने ज्यादा। एंड आप लोग क्या कर रहे हो कि यार सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके 500 के करवा दो यार। चलो गाइज आज की इस वाली वीडियो से हम लोग एम करते हैं कि आप लोग 500 के करवा दोगे इस वाली वीडियो से। आप लोगों से उम्मीद बनाता हूँ यार, उम्मीद मत तोड़ना ठीक है। सारे के सारे बंदे एक साथ सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत ही ज्यादा करीब है। ओके देख ही पा रहे हो आप लोग, तो चलो यार फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को सारे के सारे फ्री रिवॉर्ड्स के बारे में बताते हैं। गाइज सबसे पहले आप लोग तो ये वाला कैलेंडर देखो जिसमें कि हमें बहुत सारी फ्री की रिवॉर्ड्स बताई गई है। यहाँ पर आप सभी को एक जर्सी का गोल्ड रॉयल भी देखने को मिल रहा है। एंड साथ ही साथ एक और कैलेंडर मुझे मिली है, ये वाला कैलेंडर देखो। अब देखो गाइज इसमें जितने भी रिवॉर्ड्स है वो दोनों कैलेंडर के सिमिलर यानी एक जैसे ही बंडल वगैरह हर चीज सेम ही रिवॉर्ड्स है। तो देखो यार अपने इंडियन सर्वर में जो आएगा कैलेंडर वो लगभग ऐसा ही होने वाला है, आपको इतने ही रिवॉर्ड्स फ्री में मिलेंगे। तो चलो यार आप सभी को सबसे पहले दिखाता हूँ कि अपना फुटबॉल इवेंट का इंटरफेस कैसा रहने वाला है। सो गाइस जैसे ही अपने इंडियन सर्वर में फुटबॉल का इवेंट कंप्लीटली स्टार्ट हो जाएगा तो आपको कुछ इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा जहां पर आप लॉग इन रिवॉर्ड्स देखने को मिल जाएगी, साथ ही साथ डेली मिशंस देखने को मिल जाएंगे। एंड हाँ गाइस लॉग इन रिवॉर्ड अपने इंडियन सर्वर में चेंज देखने को मिल सकता है, जरूरी नहीं कि सर्वबोर्ड ही होगा। फिर आपको गोल एंड ट्रोल का भी इवेंट देखने को मिल सकता है जिसमें आप सभी को गोल वगैरह करने होंगे एंड जहां से आप लोग रिवॉर्ड्स वगैरह ले सकते हो लाइक मॉन्स्टर ट्रक की स्किन्स वगैरह जैसा कैलेंडर में दिखाया गया। बाकी अभी अपने इंडियन सर्वर के अंदर तो अभी कैलेंडर भी नहीं आया, सो हो सकता है कि कल से आपको फुटबॉल इवेंट का कैलेंडर देखने को मिल जाए। साथ ही साथ फुटबॉल इवेंट के अंदर आपको एक और इंटरफेस देखने को मिल जाएगा एक्सचेंज स्टोर का, जहां पे हमें फुटबॉल के टोकन कलेक्ट करने पड़ेंगे एंड उसके बदले हम लोग फीमेल वाली बंडल एंड उसके साथ और भी रिवॉर्ड्स वगैरह एक्सचेंज कर पाएंगे। एंड जिन लोगों ने सुबह वाली वीडियो देखा होगा उन्हें पता होगा कि मैंने ऐसे ही प्रिडिक्ट करके बताया था कि भाई हो सकता है कि ये फीमेल वाली बंडल हमें फ्री में देखने को मिल जाए। एंड ऐसा ही सेम टू सेम अभी मैं बता रहा हूँ कि भाई फीमेल वाली बंडल यहाँ पर देख पा रहे हो एक्सचेंज स्टोर के अंदर पड़ा हुआ है। सो समझ रहे हो यार अपना प्रिडिक्शन सही हो रहा है। बाकी कल आप सभी को पता चल जाएगा अगर कल को हमारे इंडियन सर्वर के अंदर कैलेंडर आ जाता है तो। साथ ही साथ गाइज अपने इंडियन सर्वर में एक और नया फिटेड व्हील देखने को मिल जाएगा इस वाले एनिमेशन का जो कि आप लोग देख पा रहे हो एंड जिसके अंदर आपको ग्लू वॉल की भी स्किन देखने को मिल जाएगी जो कि मैंने सुबह वाली वीडियो के अंदर रिव्यू करके दिखाया था। साथ ही साथ गाइज अब आप सभी को ध्यान से सुनने की जरूरत है क्योंकि आप में से बहुत सारे बंदे ये चीज पूछते रहते हैं कि भाई हॉल ऑफ इलाइट के इवेंट के अंदर हमें कितना डायमंड्स लगने वाला है, कैसे निकालेंगे, क्या कुछ होने वाला है। सो यस गाइज पहले ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो बात करें हॉल ऑफ इलाइट के इवेंट के बारे में तो वो आपको 9 तारीख से स्टार्ट देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर आप सभी को ओल्ड इलाइट पास देखने को मिलेंगे यानी जितने भी ओल्ड इलाइट पास के बंडल्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ बात करें उसके स्पिन की तो देखो यार उसमें सारे के सारे ओल्ड इलाइट पास यानी अल्ट्रा रेयर रिवॉर्ड्स रहेंगे तो उसके स्पिन का जो प्राइस होगा वो भी बहुत ही ज्यादा हाई होगा। एंड अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये हमें घुमा घुमा करके बता रहा है, मतलब सीधा सीधा बता दो ना कि भाई कितना का स्पिन रहने वाला है। तो देखो गाइस अभी ये पूरा का पूरा कंफर्म नहीं हुआ है एंड अगर मैं आपको मतलब 2,500 का एक स्पिन बता दूं तो यार इसका कोई लॉजिक नहीं होता है क्योंकि ये कंफर्म नहीं हुआ है एंड ऐसी चीजें जिसमें लीक्स वगैरह भी ना हो उसमें बताना भाई बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए भाई मैं आप सभी को अभी से नहीं अभी से 4-5 दिन पहले से ही बोल रहा हूं कि अगर आपके अकाउंट में डायमंड्स है तो उसे बचा करके रखो क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है। एंड इसीलिए भाई मैंने 4-5 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप सभी को बोला था कि भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग बचा करके नहीं रखोगे तो भाई पछताओगे। वैसे भी देखो यार कोई भी अगर ओल्ड रेयर चीजें आती है तो उसका प्राइस ऑब्वियसली हाई रहेगा ही एंड उसके लिए आपको ज्यादा डायमंड्स लगेंगे ही लगेंगे। सो इसलिए यार अगर आपके अकाउंट में डायमंड्स है तो बचा करके रखो ठीक है, वेस्ट मत करना। तो चलो यार बाकी अभी के लिए इतना ही, आई होप आप लोग को वीडियो
पसंद आई होगी। एंड हाँ गाइस, आप लोग 500 के इस वाली वीडियो से करवा रहे हो या फिर नहीं, कमेंट में जरूर से बताना यार, प्लीज कर लेना यार। ओके तो चलो गाइस यार, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।